हम साधना करना चाहते हैं, शुरू कहाँ से करें? एक सफल तांत्रिक, एक सफल साधक बनना चाहते हैं, आगे कैसे बढ़े? सबसे जरूरी सवाल, और किसी के मन में चले न चले पर इस नियम को निभाना ही पड़ता है। यही सोच करके तो आप आगे बढ़ते हैं। यह साधना मार्ग अथाह है, यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है वह अनंत है, ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की ताराएं है, उन्हें आप गिन नहीं सकते। उसी प्रकार से हमारे इस भूतल पर अनेकों प्रकार की शक्ति है। नाहरवीर, जाहरवीर, नरसिंह, नरसिंह बाबा, नरसिंहा अवतार, एक ही नाम के कई पद होती है और एक ही नाम से कई योगिनियां अपनी पूजा ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम काली माता की पूजा करते हैं तो काली माता की पूजा तो हम करते ही हैं, हमारा पूजा काली माता की जितने भी योगिनियां होते हैं काली माता की नाम से उनको मिलता है। हम तो काली माता की ही देते हैं ना, इसका प्रमाण हमने कई वीडियो में दिया भी है। आप लोग सफल साधक बनना चाहते हैं, और एक बात और, जो साधक है, बहुत लोग ब्रह्मचर्य नियम का पालन करके सिद्ध करते हैं, बहुत लोग सन्यासी हो जाते हैं, शादी ही नहीं करते, तो कहाँ लिखा है कि हमको शादी नहीं करना है जब हम एक सन्यासी होंगे? कहीं नहीं लिखा है। तो आप किस तरह से अपनी साधना को करते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। आप सन्यासी साधु बनते हैं तो सन्यासी साधु का मतलब ये नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे। हनुमान जी भी शादी किए हुए हैं, ब्रह्मचर्य नियम को पालन करते हुए शादी तो किए हैं कि नहीं किए हैं। इसी प्रकार से आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी ना करें। जितने भी ऋषि मुनि थे हम लोग उन्हीं का संतान हैं, और वो लोग शादी किए थे तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? यह जरूरी नहीं है कि हम शादी ना करें और साधना करते रहें। हमें भी अपना घर बसाना होता है, हमें भी अपने जीवन की लिए सोचना पड़ता है। यदि हम अपने जीवन के बारे में ना सोचे, सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए ही सोचे, तो जो लोग को हम कल्याण करते हैं वही लोग कल हमें ताना देंगे। हो सकता है यह ताना आपको भी मिला होगा, हमें तो मिला ही है। ताना क्या देंगे? आपके समाज जिसको आप भला करेंगे कि इतना बड़ा सिद्ध पुरुष है तो अपनी शादी क्यों नहीं कर लेता, दूसरों को ज्ञान देने चला है। समाज ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, बस आपको ताना ही नहीं देंगे, आपको गरियाएंगे भी, आपको गाली भी देंगे। ठीक है, तो ये माया मोह का जो संसार है इससे दूर होना ही चाहिए आपको। दूर होने का मतलब यह नहीं है कि आप शादी ही ना करो। इस युग में शादी ना करना और साधना में डटे रहना कोई फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं, हमें तो दिखा ही नहीं आज तक फायदा। क्या फायदा करोगे आप? पहले अपनी फायदा सोचो, फिर दूसरे की फायदा सोचना, नहीं तो यह समाज तुम्हें ताना दे देकर जीने नहीं देंगे।
यह बात किसी को बुरा लगा हो, किसी को अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।